Good afternoon, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nikudar. ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक्स एंड CSR का. तो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में हमने बिजनेस एथिक्स का मीनिंग किया था, उसकी करेक्टरिस्टिक्स की थी, ठीक है. तो उसकी हमने नेचर कर ली है. तो नेक्स्ट हमारा, हमने प्रिंसिपल भी कर चुके हैं, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपके सिलेबस में इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स. ठीक है जी, बिजनेस एथिक्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस एथिक्स फॉलो करना क्यों ज़रूरी है. तो ये हमारे पास 12 पॉइंट है, हम वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट वन इज स्टॉप बिजनेस स्मॉल प्रैक्टिसेस. ठीक है जी, कई बिजनेस क्या होते हैं कि वो रॉन्ग एक्टिविटीज अनफेयर ट्रेड करते हैं. ठीक है जी, लाइक ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, आर्टिफिशियल प्राइसिंग कर देते हैं, अडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट कर देते हैं अपने सामान में. तो अपने वेट और जो मेजर करने में चीटिंग कर लेते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच देते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट बेच देते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं. तो ये सारी, अगर जो बिजनेस ये सारी चीज़ें फॉलो करेगा तो उसकी मार्केट में रेपुटेशन अपने आप ही कम हो जाएगी. पर जो है, जो बिजनेस एथिक है वो हेल्प करता है कि ये जो सारी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हैं उनको हमने क्या करना है, स्टॉप करना है, रिमूव करना है. तो उससे क्या है, वो बिजनेस जो है हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, हर एक बंदे के लिए वो हेल्दी इन्वायरमेंट होगा. तो बिजनेस एथिक जो है वो जो बिजनेस मैन जो माल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज को स्टॉप करने के लिए बिजनेस एथिक जो है हमें हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज इम्प्रूव कस्टमर्स कॉन्फिडेंस. बिजनेस एथिक जो है वो कस्टमर का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करते हैं, लाइक उनके क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिलायबिलिटी के बारे में, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, क्वांटिटी के बारे में प्रोडक्ट की. ठीक है, जो जो फिर कस्टमर है उसका ट्रस्ट उसी बिजनेस में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, उसी बिजनेसमैन में होगा जो क्या है वो एथिकली बिजनेस फॉलो करता है, एथिक्स यूज करता है अपनी बिजनेस में. तो इससे क्या है, वो ये फील करते हैं कि ये जो बिजनेसमैन है वो हमारे साथ कभी चीट नहीं करेगा. तो ये बिजनेसमैन जब हम एथिक्स में आ जाते हैं, हमें पता है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एथिक्स को फॉलो करती है, तो हमें पता होता है कि ये हमें ऑफर करेंगी, क्वालिटी के प्रोडक्ट ऑफर करेंगी, सर्विस ऑफर करेंगी, तो उससे हमारा उनके बीच में एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट इज सर्वाइवल ऑफ बिजनेस. बिजनेस के सर्वाइवल के लिए हमारे लिए हमें बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. अगर हम जो बिजनेस को हम अगर जो एक बिजनेसमैन है वो जो कोई भी फॉलो नहीं करता, एथिक्स को फॉलो नहीं करता, तो उसको सक्सेस सिर्फ शॉर्ट टर्म में होगा, लॉन्ग टर्म के लिए उसका बिजनेस जो है वो फेल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो एक कंज्यूमर है उसको अगर किसी एक बिजनेसमैन से एक बारी धोखा मिल गया, ठीक है, एक बारी एक बिजनेसमैन ने उसके साथ चीटिंग कर ली, तो क्या उस कंज्यूमर को जो पता चलेगा कि ये उसको अच्छे प्रोडक्ट नहीं देता, चीट करता है उनके साथ, मिलावट करके उनको प्रोडक्ट देता है, तो फिर कंज्यूमर हम वहाँ क्यों जाएंगे. ठीक है, हम अपने ऊपर ही देख लो कि अगर हमें एक बिजनेसमैन, हमने उससे कोई प्रोडक्ट खरीदा तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिली, कि वो हमें पता चल गया कि वो हमें हाई प्राइस पर देता है, हमारे साथ मिलावट कर देता, तो हम दूसरी बार उसके पास क्यों जाएंगे, है ना. तो वो सिर्फ एक बार वो चीट कर सकता है, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए वो सक्सेस हो सकता है अगर वो बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं करता. तो दूसरी बार वो जब लॉन्ग रन में जाएगा तो वो फेल ही होगा, तो दूसरी बार हम कोई भी नहीं उसके पास जाएगा, है ना. नेक्स्ट इज सेफ गार्डिंग कंज्यूमर राइट्स. कंज्यूमर के पास बहुत सारे राइट होते हैं. आप MBA के स्टूडेंट हो, आपको पता होगा कि उसको सेफ्टी का राइट है, इंफॉर्मेशन का राइट है, चूज करने का राइट है, हियर्ड करने का, ठीक है, अपनी कंप्लेंट करने का राइट है, सेटिस्फाइड होने का राइट है. बट जो कई बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजर जो बिजनेस होते हैं वो उनको क्या है, उनके जो राइट्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते. ठीक है जी, तो बिजनेस को क्या है कि जो बिजनेस एथिक्स है उसको, जो हमारे कंज्यूमर्स के राइट है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सेव करने में हमारी हेल्प करते हैं बिजनेस एथिक्स. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, बिजनेस एथिक जो है वो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे शेयर होल्डर हैं, उनको भी उनके जो राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करें. ठीक है जी, उनको प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं. ठीक है जी, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई उनको जो एथिक्स है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन उनको एक्सप्लॉइट ना कर दे, उनके साथ चीट, फ्रॉड, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना कर दे. तो इसलिए क्या है कि हर एक बिजनेसमैन को एथिक्स फॉलो करने चाहिए अपने एम्प्लॉयज की प्रोटेक्शंस के लिए, अपने शेयर होल्डर की प्रोटेक्शंस के लिए. नेक्स्ट इज सिक्स पॉइंट इज डेवलप्स गुड रिलेशन.
जो बिजनेस एथिक्स है वो हेल्प करते हैं कि हम अपने जो एम्प्लॉयज हैं, हमारे जो बिजनेस है, हमारा जो हमारी सोसाइटी है, हमारे एम्प्लॉयज हैं, शेयर होल्डर हैं, उनके साथ हमारा एक फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट हो। इससे क्या होगा, हम रेगुलर सप्लाई करेंगे अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, लो प्राइसेस पर सोसाइटी को, तो उससे क्या है, हमारे प्रॉफिट है और ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होंगे। बट ये होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो है हमने क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, उसमें कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं करनी, कोई भी गलत एक्टिविटी उसके साथ नहीं करनी। नेक्स्ट इज क्रिएट गुड इमेज। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट गुड इमेज। बिजनेस एथिक्स जब हम फॉलो करेंगे तो हर एक एम्प्लॉयज की, उस हर एक ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में क्या है, पब्लिक में क्या है, उनकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी। तो हमें पता होगा ये जो बिजनेसमैन है ये अपने बिजनेस में पूरे एथिक्स फॉलो करता है, सबको वो अच्छी क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई मिलावट नहीं करता, अच्छे प्राइस हैं उनके, ठीक है, लो प्राइसेस पर देता है, ठीक है, ठीक होते हैं उनके प्राइसेस, तो उससे क्या है उनकी मार्केट में गुड इमेज होगी। ठीक है, तो हम उसी बंदे का प्रोडक्ट लेंगे ना जो हम बिजनेस एथिक्स फॉलो करता है, पूरी चीजें, किसी चीज में मिलावट नहीं करता, हम उस पर्सन के पास क्यों जाएंगे जो अपने गुड्स में मिलावट करेगा ना। तो इससे क्या है कि बिजनेस मैन की और बिजनेस दोनों की क्रिएट होती है गुडविल। नेक्स्ट इज स्मूथ फंक्शनिंग। ठीक है, इफ द बिजनेस फॉलो ऑल द बिजनेस एथिक्स, ठीक है, अगर जो बिजनेस मैन है वो सारे एथिक्स फॉलो करता है तो उससे क्या होगा कि उनके एम्प्लॉय के साथ, उनके शेयर होल्डर, उनकी कंपनी, उनके डीलर सप्लायर, ये सारे बंदे हैप्पी होंगे। ठीक है, अगर वो प्रॉपर उनके साथ डील करता है, उनका जो एम्प्लॉय है उनको पूरी सैलरी टाइम पर देता है, शेयर होल्डर का डिविडेंड उनको देता है, सप्लायर के पेमेंट कर देता है, कंज्यूमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है लो प्राइसेस पर, तो उससे क्या उनके बीच एक स्मूथ फंक्शनिंग हो जाएगी। ठीक है जी, सो वो क्या है, एक दूसरे के साथ फुल कोऑपरेशन करेंगे, तो ये फंक्शनिंग जब स्मूथ फंक्शनिंग होगी तो बिजनेस की एक्टिविटीज में क्या होगा कि बिजनेस को जो है वो ग्रो होगा, एक्सपेंड होगा, डिवर्सिफाई, जल्दी डिवर्सिफाई हो जाएगा, तो उससे ज्यादा सेल्स होंगी, ज्यादा प्रॉफिट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर वो बिजनेस जो है वो एथिक्स ही नहीं फॉलो करता तो ना उसके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे उनसे, ना शेयर होल्डर, ना कंज्यूमर, तो वो उसकी फंक्शनिंग जो है वो खराब हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट इज कंज्यूमर मूवमेंट। जो कंज्यूमर है वो आजकल हमें पता है कि बहुत जो कंज्यूमर्स हैं उनको सारी की सारी नॉलेज पता ही होता है ना। ठीक है, तो बिजनेस एथिक जो हेल्प करते हैं कि हमें हमें इम्पोर्टेंस गेन करनी है हमारे की, क्योंकि कंज्यूमर की ग्रोथ और मूवमेंट वो है बहुत ज़्यादा है। जो आज का कंप्यूटर है वो उसको अपने हर एक राइट के बारे में पता है। ठीक है जी, वो क्या है, वो दे आर मोर यूनाइटेड। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड होते हैं और उनको हम इजिली चीट नहीं कर सकते। दे टेक एक्शन अगेंस्ट दोज बिजनेस हु इंजर्ज अ बैड प्रैक्टिसेस। ठीक है, वो उनके साथ क्या है, उस बिजनेस मैन के खिलाफ एक्शन भी लेते हैं अब जो है बैड एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया हार्मफुल एक्टिविटीज। ठीक है जी, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेची जा रहे हैं तो उनके ऊपर वो एक्शंस भी लेते हैं। तो बिजनेस एथिक्स जो है वो हेल्प करता है कंज्यूमर मूवमेंट के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट इज कस्टमर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी, हमें पता है कि आज का जो कंज्यूमर है वो क्या है, मार्केट का किंग है। ठीक है ना, आप सभी को पता ही, आप MBA के स्टूडेंट हो, जब से आपकी BBA या आपकी ग्रेजुएशन चल रही है तो आपको यही सिखाया जाता है कि जो कंज्यूमर है वो मार्केट का किंग है। ठीक है, तो वो जो कंज्यूमर है वो हमारे बिजनेस को वो बना भी सकता है, जो हमारे बिजनेस को डुबा भी सकता है। ठीक है जी, तो हमें क्या है, हमें उसकी हर एक विश को एज अ कमांड मानना है कि ये हमारे कंज्यूमर ने हमें कमांड किया, तो हमें जितनी जल्दी हो सके उसको फुलफिल करना है। तो हम बिजनेस जो है वो कंज्यूमर के बिना तो चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही होगा कि हमने कंज्यूमर की हाईएस्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो हमने अचीव करनी है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें क्या है, हमारी सेल्स नहीं होगी, हमें प्रॉफिट्स भी नहीं होंगे। ठीक है जी, तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को हमने सीरियसली लेना है। तो बिजनेस जो है वो ऑलवेज रेडी होना चाहिए, जो कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो रही है उसको अडेप्ट करने में ऑलवेज रेडी होना चाहिए। तो इससे क्या है, एथिक जो है वो हेल्प करते हैं हमारे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर। लेबर मीन्स के एम्प्लॉय, अगर हमारा जो काम है और काम में जो वर्कर्स हैं, स्टाफ है हमारा, वही सेटिस्फाइड नहीं है, उनके साथ ही हम बहुत उनके साथ उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उनको उनके काम के अकॉर्डिंग हम सैलरी नहीं दे रहे, तो क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे, वो उनका मन ही नहीं लगेगा काम करने में। ठीक है जी, तो बिजनेस मस्ट गिव टाइमली मनी, उनको टाइमली उनका कंपनसेशन देनी चाहिए, और जो एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहे हैं उनको पूरा उनकी जो
सैलरीज हैं उनको देनी चाहिए, उनको इंसेंटिव देने चाहिए, जो वर्कर अच्छे से काम करे, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है उनको उनको सैलरी अच्छी देनी चाहिए, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए, उनकी प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटी हो, लीव हो, बोनस हो, सारा हो, उनकी इक्वली उनको ट्रीट किया जाए, उनके सजेशन जो है उनको वेलकम किया जाए, उनके सजेशन आइडियाज जो है उनकी कंप्लेंट्स एंड सब चीज़ों को सुना जाए। इससे क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच एक गुड और अच्छा रिलेशन जो है वो डेवलप होगा। तो उनको रिस्पेक्ट भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये बिजनेस एथिक्स हेल्प करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस एथिक्स को फॉलो करती है ना, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्दी कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्दी कॉम्पिटिशन। तो आज आप सभी को पता है कि बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट में, ठीक है जी, ग्लोबली ठीक है जी, इंटरनेशनल तक लेवल तक का कंपटीशन है। तो कंपटीशन जो ज़रूरी है, क्योंकि क्रिएटिविटी लाने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए, अपना प्रोडक्ट दूसरे से बेटर करने के लिए हमें क्या है, कंपटीशन की तो ज़रूरत होती है। तो बिजनेस जो है, बिजनेसमैन जो है वो, उनको जो अपना कंपटीशन है उसको एज अ फेलोज लेना चाहिए, राइवल नहीं लेना चाहिए। जैसे ठीक है, उन्हें अपने दुश्मन ही नहीं बना लेना हमने किसी को, ठीक है जी। हमारा जो कंपटीशन है वो हेल्दी हो, अग्रेसिव ना हो, कट थ्रोट ना हो, ठीक है जी। जैसे कि बिजनेस में हमने अपने फेलो जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनको हमने अपने एज अ फेलो ही लेना है, हमारे दुश्मन ही मान लेना है। जैसे मान लीजिए हमारी क्लास है, तो हम दो फ्रेंड्स हैं, तो दोनों फ्रेंड में हम एग्जाम के लिए लेकर, मार्क्स के लिए लेकर कॉम्पिटिशन होता है, पर वो क्या है, वो दुश्मन नहीं बन जाते। ऐसे ही हमने बिजनेस में भी क्या है कि हमने कॉम्पिटिशन करना है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन करना है, हमें एक दूसरे के दुश्मन ही नहीं बन जाना। तो ये बिजनेस जो है वो उनको अनएथिकल चीजें नहीं करनी, कि हमने अपना प्रोडक्ट अच्छा दिखाने के लिए क्या है, हमने दूसरे का प्रोडक्ट जो है वो बुरा दिखा दिया। ऐसी चीज नहीं करनी, हमने सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करनी है, दूसरे के प्रोडक्ट के बारे में हमने कुछ भी बुरा नहीं बोलना। सो जो हेल्दी कॉम्पिटिशन है उससे ही साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एथिकली वो चल सकती हैं। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, हमने बिजनेसमैन में एक ब्रिलियंट और एनर्जेटिक माइंड लेकर आने चाहिए बिजनेस में हेल्दी कंपटीशंस को जीतने के लिए। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।